गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लासेस, राज कोचिंग क्लासेस। अपने आज के टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, क्या सुना आपने? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल देखेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन वेरियस पोजिशन, उसमें हम देखेंगे। पहला है एक्सियल पोजिशन। एक्सियल पोजिशन इसको एंड ऑफ पोजिशन भी बोलते हैं, जो भी बोलो, एंड ऑन पोजिशन। और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजिशन या अब्रॉड साइड ऑन। ओके, तो आज ये जो चैप्टर देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल देखेंगे, उसके बाद हम पोजिशन, जितना वीडियो लंबा ना पड़े, जितना हम बना सकेंगे उतना वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि हम चैप्टर वाइज के बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाते हैं आप लोगों को, तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम जितना हो सकेगा उतना। मैक्सिमम हमारी पीरियड होती है 30 मिनट्स की, तो 30 मिनट से ऊपर जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है, वेलकम टू माय चैनल राज कोचिंग क्लासेस, और वीडियो चालू करते हैं। और अगर आप वीडियो में नए आ रहे हैं, नए विजिट कर रहे हैं इसको, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी क्या कि अगला वीडियो कौन सा है, तो इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि उनको भी जानकारी मिल सके। और कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी परेशानी हो, या ऐसे कोई परामर्श आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर माय चैनल एंड कमेंट प्लेस। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैंने दो पॉइंट ले लिया है। ठीक, ये दोनों पॉइंटों को मैंने मिला दिया, एक पर प्लस क्यू चार्ज, एक पर निगेटिव चार्ज। ओके, और ए हो गया सेंटर, जिसको ले लिए ओ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मान लिए हम ए, इसको मान लिए बी, और ये ओ, इसको ले लिए एल, और ये ले लिए हमने कितना एल। ओके, क्या देख रहे हैं? तो ए पर प्लेस्ड प्लस क्यू चार्ज, बी पर प्लेस्ड माइनस क्यू चार्ज, तो ये बन गया ए बी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ए बी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और डायपोल माने जिसके दो पोल्स होते हैं। ठीक, प्लस और माइनस, जैसे कि नाम से है, यदि ए और बी पर दो, यदि दो समान परिमाण के आवेश हैं, दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश, जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो। ठीक है, माने कहने का मतलब होता है, इफ टू चार्जेस हैव इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट एंड सेपरेटेड देन मीनिंग, माने कहने का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ओके, लिख लिए, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो कहने का मतलब होता है, ये जो इनके बीच की दूरी होगी बहुत कम होगी, वेरी मच, इसको माइक्रोन में मान लेते हैं, माइक्रोन मान ले हैं, कहने का मतलब बहुत कम होता है इसकी दूरी। अब ये मान लिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू L, AB इक्वल टू 2L, तो AB इज द कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिस पर चार्जेस कितने हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। हो गया, तो ये मैंने समझाया कि AB इज द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो डेफिनेशन आप कैसा भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि ले लिए पानी, हो गया पानी क्या फॉर्म होता है, H2O, क्लोरोफॉर्म CSL3 एंड अमोनिया, ये मॉलिक्यूल्स आर सेम एग्जांपल ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल्स। हो गया, तो इन ऑल इलेक्ट्रिक
इन ऑल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, मैंने जितने भी जो अणु बनते हैं, जैसे अमोनिया के हो गए, पानी के हो गए, क्लोरोफॉर्म के हो गए, ये क्या हो गया था, सेंटर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ नॉट कॉन्साइड, ठीक, ये क्या होंगे, कॉन्साइड नहीं होंगे। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है मैग्नीट्यूड बट सेपरेट इन मास स्मॉल डिस्टेंस, तो इसका एग्जांपल्स क्या लिख दिया मैंने, कॉइंसाइड नहीं होते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज, कॉइंसाइड मैंने संपाती नहीं होंगे, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे तो क्या करेंगे, एंगल सबटेंड कर लेंगे और ये कंप्लीट नेट डाइपोल बन जाता है। तो कहने का मतलब होता है जैसे कि H2O, ओके, NH3, इसको हम बोलते हैं पानी, ओके, इसको अमोनिया का है ये फार्मूला हिंदी मीडियम वाले में, और तीसरा होता है क्लोरोफॉर्म, और भी एग्जांपल है HClO में CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, ये सब किसके हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आर नो नॉट कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब होता है संपाती, एक इंटरसेक्ट होता है, एक पैरेलल होता है, तीसरा हो गया कॉन्साइड, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या है, कॉन्साइड नहीं होते हैं, बाकी कुछ एंगल सबटेंड करते हैं, आप केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे डाइपोल, उसमें भी एक चैप्टर होता है, तो ये बना दिया मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। कहने का मतलब है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, 10^-6 ऐसा करके बहुत कम होता है, कभी कभी इसको माइक्रोन में लेते हैं, फर्मी में ले लेते हैं, और एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं इनके बीच का दूरी, तो समझ लीजिए एक एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम दिस आर इक्वल टू 10^-10 मीटर, कितना छोटा होगा, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब नॉर्मल कंडीशन में इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्मल कंडीशन का डायरेक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो एक चार्ज और उनके बीच की दूरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से, और इसका डायरेक्शन होगा नॉर्मल कंडीशन में इसकी डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जैसा तो वैद्युत द्विध्रुवों को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चार्ज उनके बीच की दूरी, तो ये P हो जाता है 2QL, है ना, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा को हम सोचते हैं यूनिट और डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, चार्ज माने कूलम और दूरी का मीटर, सॉरी कूलम इंटू मीटर, ये हो गया डायमेंशन फॉर्म निकालो ए टी इंटू डिस्टेंस का एल, तो यहाँ एम नहीं है, एम जीरो एल टी, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं हम, है बाकी लंबा है इसमें, अगर एक वीडियो बनाना चाहे तो आधा एक घंटे बन जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में यही समझना अपने को बेटर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मीन द वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पॉइंटिंग फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा यूनिट बता दिया हमने कूलम और मीटर, और डायमेंशन तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब छह इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कुछ बेसिकली जानकारियाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। तो आइडियल डायपोल एक पॉइंट डायपोल ये बोलते हैं, माने हम इमेजिन करते हैं कि सिचुएशन वेयर चार्ज की व्हिच द लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिटवीन स्मॉल एंड स्मॉल, मैंने बहुत बड़ा होगा और दूरी की बहुत कम होगी, इन द लिमिटिंग केस द डायपोल साइज टू एल एंड अप्रोचेस जीरो एंड द चार्ज क्यू अप्रोचेस इनफाइनिटी टू सच ए वे दैट द प्रोडक्ट क्यू इनटू डी एल इज इनफाइनाइट होता है, सच डायपोल इज रिफर टू द आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल कहते हैं इसको, ओके। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना ऑफ मैटर हो गया, ये सब चीज़ें थी चार्ज के बारे में बता दिया आपको। तो फिर इसको फिर डायरेक्शन में हम ऐसा लिख सकते हैं जैसा मैंने दिखाया है, तो है ना, तो यहाँ पी कैप भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं बताया था यूनिट वेक्टर इज द गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ओके। तो ये हो जाएगा पी कैप इक्वल टू कैप इनटू पी, ओके, कोई डाउट।
तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम देखेंगे एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन। तो मैंने इसको मिटा देता हूं, मिटाने के बाद हम देखेंगे एंड ऑन पोजिशन, जिसको हम एक्सियल पोजिशन भी कहते हैं। कहानी वही है, एवी द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एल। ओके, अब इसका डिस्टेंस देख रहे हो आप, उससे कुछ दूरी पर हमारी छड़ी से थोड़ा लाइन सीधा खींचाएगा तो खींच देते हैं। आप लोगों का कहना था सर डायग्राम पहले बना देते हैं, तो डायग्राम को हम अभी बनाएंगे ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम सही रह जाए। तो छड़ी हमारी दिख नहीं रही है, तो स्केल जिसको बोलते हैं आप लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसे यहां पर ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से आप कितना भी दूरी पर हम एक लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, ये तो इसका डिस्टेंस आप जितना भी कुछ रख सकते हो, ये एक्स ले लो, आर ले लो, एल एल नहीं लेना है, हमने ले लिया है एक्स डिस्टेंस पर, है ना। हमने क्या किया है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके मिड पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी ले लिया है। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक। व्हाट इज पी, पी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था यदि चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, ये ओके। यदि चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ई वन, ये हो गया टू, ओके, ये हो गया। तो अब आप बता सकते हैं, देखिए जनरली होता क्या है, मान लो प्लस की चार्ज है, ये मान लो मैंने प्लस की चार्ज लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो जाएगा। ये प्लस की चार्ज है, यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं हम, यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली ये चार्ज प्लस की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर निकल जाएगा और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा। ये चार्ज प्लस की है इलेक्ट्रिक फील्ड दूर आएगा, अगर चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगा, ओके, एक्स अवे है। अब देख सकते हैं आप, इसमें मैंने शो कर दिया है, आप बताइए ई वन ई टू इज ग्रेटर देन ई वन नो वन, यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू टू एल एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एल। अब आप देख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू एक्स, OP is equal to x, then the distance of AP, AP is okay, कितना हो जाएगा अपने पर OP minus OA, OP minus OA, what is OP x, OA कितना L, x हो जाएगा, okay, distance of plus Q charge on observation point, and the BP, BP कितना हो जाएगा, देखिए OB प्लस ओपी तो हो जाएगा एक्स प्लस एल, ये हो गया हमारे निकाल दिए। एनी डाउट, वेयर पी, पी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वे आर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सेंटर भी इतना हो, टेक अ पॉइंट पी एक्सिट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड वेयर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस इज ओन। अब हम निकाल देंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज,
ओके, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो लंबा हो जाएगा इस पार्ट में हम कर दें। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके, तो हम इसको लिख देते हैं कितना ई वन, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, तो ई टू कर लेते हैं वन बाय फोर पाई, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा आपको, के लिख सकते कूलम्ब कांस्टेंट, है ना, और कितना जाएगा क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू के, ए पी की वैल्यू कितना हमने निकाला था x माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन कितना हो जाएगा ए पी, इसका ए पी डायरेक्शन, ओके, एनी डाउट, ए डायरेक्शन कितना हो जाएगा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पी ई टू, ओके, ये हमने निकाल दिया है ए पी मीन्स कहाँ से कहाँ निकाल दिया था, ए टू पी, ए टू पी में एक्स में से हमने एल को सबट्रैक्ट किया है, अगेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ पी ड्यू टू माइनस क्यू चार, ये निकल जाएगा ई वन के क्यू अपॉन जी पी स्क्वायर, एंड डायरेक्शन पी बी, ओके, एनी डाउट, देन टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एफ पी एन ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कॉपी कर लीजिए, टोटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके, बहुत ई वन और ई टू, आप देख सकते हैं मैंने ई वन ई टू निकाल दिया, डायरेक्शन भी शो कर दिया मैंने, तो ई वन ए टू अलॉन्ग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, सेम लाइन में है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड ई टू इज ग्रेटर देन ई वन, मैंने पहले ही शो कर दिया है, ई वन है ना, ए टू इज ग्रेटर देन ई वन है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी फील्ड एट पॉइंट पी, अब लिखेंगे, अब क्या लिखा है मैंने, ई वन ई टू क्या है, एक ही लाइन में है लेकिन अपोजिट दिशा में है, और ई टू इज ग्रेटर देन ई टू होगा, ये तो जनरली मैंने नेट इंटेंसिटी निकाल दिया है, बट ई टू इज ग्रेटर देन ई वन होगा, तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि ईक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ओके, क्या एक कंडीशन सुन लो, बहुत ई वन ए टू आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर है ना एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द मैग्नीट्यूड ई आर द रिजल्टेंट, ये कोलिनियर वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर ऑफ द टू वेक्टर, ओके, बिगर ऑफ टू वेक्टर्स, एनी डाउट, बिगर ऑफ टू वेक्टर, देखते हैं, एक्चुअल में इसको मैंने माइनस आई भी लिख सकता था वेक्टर के फॉर्म में, जब वेक्टर देता तो माइनस आई थोड़ा सा लेंदी हो जाता, तो सिंपल वर्ड में आप लोग समझ लीजिए ये कंडीशन फॉलो होगा, तो आपका रिजल्ट जाएगा ई इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, एक मिनट दरवाजे बंद कर दिया, ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ये क्या हो जाएगा के, इसकी वैल्यू को मैंने पुट नहीं किया है, डीपी की वैल्यू को, डीपी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ई वन इक्वल टू ए क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, कमेंट में बताइएगा कुछ अगर समझ में आए तो, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का, अब यहाँ पर डायरेक्शन जो मैंने शो किया उसको लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें निकाल सकते हैं के क्यू
तो बचेगा हमारा 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एक्स एल ओके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एक्स एल, ये हो गया। अब देखिए एक फार्मूला आपने देखा था a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या था फर्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओके। यदि दोनों ही स्क्वायर में हो b स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह मान लिखेंगे x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये सब कट जाएंगे, ओपन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 एक्स एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ओके। अब देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब उसकी बारी आ गई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू कितना था, पी इक्वल टू 2 क्यू एल हो गया था। अब यहां पर देखिए ये क्यू ये है ना, ये 2 ये एल, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, के इंटू कितना जाएगा 2 और 2 क्यू एल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकाल दिया मैंने। तो ये जो 2 क्यू एल है ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनके बीच की दूरी बहुत कम है, माइक्रोन में। एग्जाम्पल बताता हूं, तो एल इज मोर लेस देन, एल इज मोर लेस देन एक्स, तो एल की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, जीरो कर दूंगा। यहां पर देखिए ये चीज है, मान लो दोनों के बीच की दूरी माइक्रोन में है ना, यहां पर कोई कुछ सेंटीमीटर में रखा होता है, तो कहां माइक्रोन और कहां मीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेके जीरो कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील आता है कि ये जीरो हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, कट जाएगा, तो जाएगा 2p अपॉन x क्यूब, ये हमारा निकल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन। एनी डाउट, तो ये हमारा निकल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायपोल एक्सिस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये चीज हमारा निकल गया। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बताइएगा। स्पेशल केसेस में मैंने बता दिया है, इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज द वेरी स्मॉल लेंथ है, तो लेंथ जिसमें मैंने किया एल इज मोर लेस देन एक्स, इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फॉर अवे फ्रॉम द डायपोल ओके, means x is greater than, x is more greater than l, in both these cases and p can be neglected, sorry l can be neglected the comparison to r, so then hamara electric dipole moment is condition mein aata hai where k is the coulomb constant okay, jaise hum isko kya karte hain, k is the coulomb constant hoga, to k ki value hum padhe the k into 9 into 10 to power 9 k equal to 1 by 4 pi epsilon naught okay, जब इसको हम पुट करेंगे ना तो हमारा intensity of electric field end of position का जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught और 2p by r cube, या numericals जब हम संख्यात्मक क्वेश्चन बनाएंगे, इसके वजह से बहुत सारे संख्यात्मक क्वेश्चंस करेंगे, हमारी स्पेशल क्लास रहेगी only for numericals classes का, ये फर्स्ट चैप्टर का okay, तो आप लोग उसको अटेंड करिएगा, उसके हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और आईटी जेई नीट वगैरह के लिए बहुत यूजफुल है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखिएगा। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगला टॉपिक अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, उसमें मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और 2p/r ओके। जब ऐसे कंडीशन में होगा तब हम ऐसा पुट करेंगे, और जब सीजीएस पोजिशन में होगा ये कूलॉम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और सिर्फ हमको इसकी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है।
डायनापोल। तो ये हमारा रहा, एक बात और समझा देता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाता है, जो इक्वल मैग्नेटिक है लेकिन अपोजिट चार्ज के बीच की दूरी क्या होगी, काफी कम होगी, नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। और इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अब एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन का डिफरेंस अगर व्हेन एनी पॉइंट वेयर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड द एक्सिस ऑफ डायपोल, हो ना। तो पी इज द एबी द इलेक्ट्रिक डायपोल विद द मिड पॉइंट एक्सीड द एक्सिस ऑफ डायपोल एंड टेकन पॉइंट पी नोन एज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल भी कितना होगा एक्स। Then A is the positive charge, then intensity electricity far away of charge, and at point B place negative charge, then intensity electric field and intensity electric field क्या हो जाएगा, nearest of the charge, okay। तो हमने निकाल दिया ए बी, निकाल दिया ओ ओ बी, निकाल दिया ए पी का डिस्टेंस हमने निकाल दिया एक्स माइनस एल, ओ पी पी का डिस्टेंस निकाल दिया एंड पी इज द रिलेटिव। अब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डी टू प्लस के चार्ज वैल्यूज पुट कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, हमारा हमला आ गया, ये कंडीशन हमारी आई। अब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का बहुत कम होगा किसकी तुलना में, यहाँ पर रखें जो चार्ज उसके तुलना में। तो एल को हम निगेटिव करके ये वैल्यू हमने निकाला के टू पी बाई एक्स क्यूब, फिर के इज द कूलॉम्ब कॉन्स्टेंट, एंड फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन द कूलॉम्ब कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितना होगी, 9 × 10⁻¹, और जनरली किलोम कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 πε₀, है ना। तो जब उसकी वैल्यू को हम पुट किए तो हमको वैल्यूज मिले 1 और 2, दिस पॉलिनोमियल्स क्वेश्चंस, ओके। तो ये था एंड ऑन पोजिशन, इसको मैंने आप बारीकी से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपको इसको लाइक करने का हक बनता है, कॉमेंट करिए। वैसे काफ़ी ईजी टॉपिक था, ये इजी टॉपिक था। तो इसके बाद हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड एंड पोजीशन बोलते हैं इसको, अंधर ये अच्छी स्थिति बोलते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। काफ़ी इजी पॉइंट था। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कॉमेंट करिए। अगर वीडियो में आप नए आ रहे हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।